दोस्तों अगर आप लोग डिफॉल्टर हो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके डिफॉल्ट कर गए हैं, तो आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि आज जो है आप लोगों के साथ कुछ ऐसा न्यूज शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोग सुनने के बाद हैरान हो रह जाओगे कि कुछ ऐसा भी चीजें होने वाला है, हो रहा है अभी के टाइम में। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा डिस्कस करने वाला हूं, वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स पता चलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों डिफॉल्टर हो अगर, तो बाहर अगर आप लोग निकल रहे हो तो सावधान हो जाओ। मेन चीज यह है कि बाहर अगर निकल रहे हो डिफॉल्टर्स, तो यहां पर आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज दिखाना चाहता हूं, और आप लोगों को वो न्यूज के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या हो रहा है अभी के टाइम में डिफॉल्टर्स के साथ। 10,000 का भी लोन है तो भी आप लोग सावधान हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आप लोग कभी भी कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है। अब क्या हुआ है वो देखिए, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को वो न्यूज दिखाता हूँ कि आखिर वो न्यूज है क्या, क्या हो रहा है डिफॉल्टर्स के साथ अभी के टाइम में। व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता है, 10,000 रुपए एक फाइनेंसर से लेता है, उसके बाद जब वो पैसे चुका नहीं पाता तो उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाते हैं, उसके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं, और उसके बाद जो है उसके साथ बड़ी ही भयानक स्थिति पैदा कर दी जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, और इसके हाथ जो आप लोग देख रहे हैं, ये हाथ दिखाना चाहूँगी, हाथ के ऊपर सुए मारे जाते हैं, और पूछा जाता है कि कब तू जा करके पैसे चुकाएगा, क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूज देखा, तो यहाँ पर आप लोग न्यूज देखने के बाद आप लोग क्या बोलोगे सिंपल तरीके से, कि ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है। अब आप लोग समझो कि लोन डिफॉल्टर करने के बाद ये लोग आप लोगों को उठा के ले जा रहा है, और क्या कर रहा है, आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, और बोला जा रहा है कि पैसा कब दे रहे हो, अभी पैसा दो। नया खेल शुरू हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया था कि एक एडवोकेट को उठा के लेके चला गया था, मतलब आप लोग समझो कि उन लोगों का साहस कितना है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे ये लोग अभी के टाइम में कितना जो है दादागिरी कर रहे हैं, और क्या जो है यहाँ पे गुंडागिरी जो है आप बोल सकते हो। यहाँ पे सिंपल तरीके का चीज है कि अगर आप डिफॉल्टर हो, बाहर अगर निकल रहे हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये चीज हो सकता है कभी भी। लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी फाइनेंसर का नाम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये कौन सा फाइनेंसर कर सकता है, ठीक है। सबसे मेन और घटिया एप्लीकेशन आप लोगों को पता होगा, तो वही जो है जो कि ऑल ओवर इंडिया में नंबर वन जो है बोला जाता है, और वही एप्लीकेशंस और वही लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी जो है ये घटिया चीज करता है, ठीक है। लोगों को उठा के लेके जाते हैं और बदतमीजी वहां पे गुंडागर्दी वगैरह जो भी है, धमकी वगैरह देता है, ठीक है, मारपीट वगैरह करते हैं। तो ये चीज आप लोग, अगर आप लोगों के साथ भी कभी होता है, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चीज करता है, सिंपल तरीके से आप लोग पुलिस का हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे पुलिस आप लोगों का ही हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट्स का राइट्स नहीं है कि कोई भी कस्टमर्स को उठा के लेके जाए और उनके साथ बदतमीजी करे। सिंपल तरीके से आरबीआई ने यहाँ पे बताया है कि कोई भी रिकवरी एजेंट्स कस्टमर के साथ जोर आवाज में बात कर ही नहीं सकता। सिंपल तरीके से वो अपना पैसा मांगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, उठा के लेके जा रहा है। मतलब आप लोग समझो कि किस हद तक, किस लेवल तक ये लोग पहुंच चुका है कि अभी जो है लोगों को उठा के लेके जा रहा है, लोन नहीं चुकाने पर लोगों को उठा के लेके जा रहा है। मतलब किडनैपिंग, सिंपल तरीके से किडनैपिंग का चार्जेस लोगों के ऊपर लगने वाला है। सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कभी भी, तो आप लोग पुलिस स्टेशन में आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो कि ऐसा चीजें आपके साथ हुआ है और ऐसा चीज होने वाला है, या फिर किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज आप उनको सपोर्ट करें। और ये सब जो है आप लोग दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसा चीजें भी हो सकता है अगर आप डिफॉल्टर है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि ऐसा चीज कर रहा है, कुछ दिनों से कर रहे हैं। इस तरीके का मैसेजेस जो है भर भर के मिल रहे हैं कि एजेंट्स आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि उठा के लेके जाऊंगा वगैरह वगैरह। अब समझो आप लोग, यहाँ पे आरबीआई तो गाइडलाइंस में कुछ ऐसा लिखा नहीं कि भाई कोई भी ऐसा अगर डिफॉल्टर है तो उनके साथ जो है दादागिरी करा जाए, लेकिन ये लोग होता कौन है ये सब करने वाला? एजेंट्स क्या समझते हैं खुद को? एजेंट्स के पास क्या पुलिस का पावर आ गया है कि पुलिस जिस तरीके से उठा के लेके जाता है अगर कुछ करता है? लेकिन यहाँ पे आपने तो कुछ किया ही नहीं है, डिफॉल्ट करना तो क्राइम है ही नहीं, तो ये लोग इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं? एजेंट्स का पैसा तो आपने लिया नहीं है। अब कंपनी ने हायर किया है तो कंपनी कुछ करे इस तरीके का चीजें। यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा है आरबीआई की तरफ से, जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को फॉलो करे। पैसा मांगने के लिए भी उसमें गाइडलाइंस लिखा है कि अगर किसी के पास जाता है पैसा मांगता है, तो वहां पे सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं आप पैसा क्यों नहीं दे पा रहे, बहस नहीं कर पाएगा, जोर आवाज से बात नहीं कर पाएगा, आपका प्राइवेसी लीक नहीं कर पाएगा, आस पड़ोस में चिल्ला नहीं सकता, ये सब जो है वहां पे गाइडलाइंस है। लेकिन फॉलो करता है क्या? नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा बात बोलूंगा आप लोगों को कि
ये सब देखने के बाद जो है खुद से ही जो है मन में भड़ास निकालने के लिए सब जो थिंकिंग आता है कि भाई सामने अगर मिल जाए तो इसको कूट के यहीं पे फेंक दूंगा, हड्डी पसली एक कर दूंगा, ये सब चीजें जो है समझ में, मतलब ये सब जो है अपने थिंकिंग में आता है, आएगा ही। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये सब चीजें अगर आप सुनोगे तो खुद से ही आपके मन में ये ख्याल आएगा कि भाई एक बार आने दो, वापस नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा न्यूज जो है आप लोग अगर सुनते हो तो आप लोगों के मन के अंदर भी ये सब चीजें आएगा कि बोल, मन में ये आएगा कि भाई एक बार आने दो भाई, बस वापस नहीं जाने दूंगा। मेरे मन में भी ये आता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर जब तक वो लोग कुछ ना करे या फिर ऐसा बदतमीजी ना करे तब तक आप लोग कुछ मत करिए। फोन का रिकॉर्डिंग हमेशा आप लोग करने का सोचिएगा, अगर जब भी आपके पास कोई भी एजेंट आ जाता है आपके घर पे, सिंपल तरीके से फोन का रिकॉर्डिंग आपको ऑन करना है, क्योंकि आपके पास कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर देख रहे हो कि कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है तो सिंपल तरीके से आप लोग भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके का काम आप लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, घर आपका है, इलाका आपका है, वहीं पे कूद डालो, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जो होगा बाद में देखा जाएगा, आपके पास वीडियो का एविडेंस होगा, ठीक है। अब पुलिस कब आएगा उसका इंतजार हम करेंगे, इस तरह का बदतमीजी करेगा तो वहीं पे मार खाएगा। तो ये चीज जो है आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि डिफॉल्टर हो तो आप लोगों के साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहो। और ये सब चीज अगर होता भी है तो आप लोग क्या करना है आप लोगों को, वो आप लोगों को पता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।